हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर सेकंड जो है आपका क्लास सेवन में, मार्को पोलो। ओपन करिए बुक, सभी लोग ओपन कर लिया। फर्स्टली सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन क्या है? मार्को पोलो वाज द मर्चेंट ऑफ द 13th सेंचुरी ऑफ वेनिस। इन द 13th सेंचुरी यूरोप हाईली वैल्यूड ट्रेड विद द ईस्ट। मार्को पोलो 13th सेंचुरी 13वीं शताब्दी का एक वेनिस का व्यापारी था, और उस समय 13th सेंचुरी में यूरोप में ट्रेड विद द ईस्ट हाईली वैल्यूड, यानी कि उस समय जो व्यापार था वो यूरोप में एकदम हाई पीक पे था, अपनी उच्चतम चोटी पर था। इंडिया एंड चाइना वर बिलीव्ड टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स। इंडिया और चाइना दोनों ही अमीर यानी कि रिच होने का सपना देख रहे थे। मैन हु वर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर्स, बहुत से मैन यानी कि आदमी जो एडवेंचर्स रोचकता से भर जाना चाहते थे, बिगन टू ड्रीम ऑफ गोइंग आउट टू इंडिया एंड चाइना मेकिंग देयर फॉर्चून, और अपने भाग्य को आजमाने के लिए वो इंडिया और चाइना के लिए निकल पड़े। अब चैप्टर बात करते हैं बेटा, चैप्टर में क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ हार्ड एंड डेंजरस इट वॉज ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर 600 और 700 ईयर्स एगो। आज से लगभग 600 से 700 साल पहले कितना खतरनाक होता था, डेंजरस होता था जर्नी करना, एक देश से दूसरे देश की जर्नी करना। मैन हैड टू ट्रैवल मेनली बाई ओवरलैंड रूट्स, और जो इंसान थे आदमी थे वो ओवरलैंड रूट्स जमीनी रास्ते से ही जाते थे। दे हैड टू मूव स्लोली एज व्हेन दे गॉट द चांस, जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो धीमे धीमे अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ते थे। विलेज एंड टाउन्स वर फार अपार्ट, और वहाँ के जो गाँव और कस्बे थे वो वहाँ से बहुत दूर होते थे। मैनी पर्सन डाइड ऑन द वे ऑफ अ लैक ऑफ फूड एंड वाटर, बहुत से पर्सन बहुत से व्यक्ति लैक किस होता है? कमी, यानी कि खाना और पानी की कमी से ही रास्ते में ही मर जाते थे। पीपुल हैड टू ट्रैवल विद लार्ज पार्टीज और अ कारवांस एज दे वर कॉल्ड, लोग जो थे बहुत सारे लोगों के साथ में जाते थे, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो जीवित रहने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो वो आसानी से किसी भी समस्या को सॉल्व करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि कैसे भूख और प्यास से बचा जाए। और कारवां एज दे वर कॉल्ड, और जब ज़्यादा लोग होते थे तो उनको कारवा बोलते थे। जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी प्लेस पर निकलते थे किसी की खोज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जो महफिल होती थी उसको कारवा बोलते थे। अदरवाइज दे कुड गेट लॉस्ट, अगर वो सबके साथ में नहीं जाएंगे तो वो खो जाएंगे। बैंड ऑफ रॉबर्स न्यू द रूट्स टू, और बैंड ऑफ रॉबर्स जो डकैतों का जो ग्रुप था वो भी उन रास्तों को जानते थे। दे अटैक कारवा दे लूटेड हिम, जो लोग एडवेंचर के लिए निकलते थे वो उनको लूट लेते थे। और मैनी ट्रैवलर्स वर किल्ड इन द फाइटिंग एंड द टू प्लेस, और इस हाथापाई में कुछ ट्रैवलर्स जो थे वो मर भी जाते थे। अदर डाइड ऑफ हंगर, या फिर कुछ भूख से मर जाते थे। एंड थर्स्ट ऑल्सो प्यास, भूख प्यास भी मर जाते थे। व्हेन एवरीथिंग दे हैड वाज स्टोलन एंड टेकन अवे, और उनके पास जो कुछ भी होता था वो लूट लेते थे। ट्रैवलिंग वाज सो डेंजरस इन दोज डेज दैट हार्डली एनीवन हु वेंट फॉर अ लॉन्ग जर्नी वाज नॉट श्योर ऑफ गेटिंग बैक होम अलाइव। ट्रैवलिंग वाज सो डेंजरस, यात्रा करना उन दिनों बहुत ही खतरनाक था। इन दोज डेज, और उन दिनों, हिमांशु अपने बुक में जा दीजिए, डेंजरस इन दोज डेज एंड दैट हार्डली एनीवन हु वेंट फॉर अ लॉन्ग जर्नी वाज नॉट श्योर ऑफ गेटिंग बैक होम अलाइव। जो भी जर्नी पर निकल जाता था उसके लिए ये आसान नहीं होता था, और ना ही निश्चित होता था कि वो वापस घर को लौट पाएगा भी या नहीं। ओनली पर्सन ऑफ ग्रेट करेज कुड डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नी, जिनके पास अदम्य साहस होता था। ग्रेट करेज मतलब बहुत ज़्यादा साहस की जरूरत थी। कुड डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नीज, वो साहस करते थे इन लॉन्ग जर्नीज को पार करने का। विथ लेट देम टू स्ट्रेन लैंड एंड सम टाइम टू गियर टू कम्प्लीट, और उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई बार तो सालों लग जाते थे। इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी मीन्स आज जो हमारा चल रहा है वो 2020 चल रहा है, तो पहले भी ऐसे
1997 1800 ऐसे करके जब 1300 चल रहा था सन, तब की बात है, यूरोप वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट हाईली। और यूरोप की बहुत ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा मसालों का और इन सब चीज़ों का व्यापार बहुत होता था। इंडिया एंड चाइना वर बिलीव टू बी रिच बियॉन्ड ड्रिंक। इंडिया और चाइना उन दिनों भी अमीर होने का सपना देख रहे थे। स्पाइसेस फ्रॉम आइलैंड ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मतलब हो गया दक्षिणी पूर्व एशिया जो था, वहाँ से स्पाइसी मसाले जो गरम मसाले होते हैं हमारे, यही मसाले हैं, ना कि ये गुटखा खाओ खाने वाला होता है। वी सोल्ड इन यूरोप एट अ ग्रेट प्रॉफिट। और बहुत ज़्यादा मुनाफे में बिकता था ये जो गरम मसाला होता था हमारा ये। मार्को पोलो वाज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस। और उन्हीं एडवेंचर में से एक था नाम जिसका था मार्को पोलो, वेनिस का रहने वाला था। ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ अ रिच मर्चेंट एंड द सिटी ऑफ वेनिस वॉज द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ द ट्रेड। वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था वेनिस में, ईस्ट इन यूरोप, यूरोप में ईस्ट की तरफ था। इन 1271 यानी कि 1271 में 17 ईयर ओल्ड मार्को पोलो स्टार्टेड अ जर्नी टू चाइना। 17 साल की उम्र में मार्को पोलो ने अपनी यात्रा स्टार्ट की, कहाँ के लिए, टू चाइना, चाइना के लिए। देन नोन एज अ कैथी, जो उस समय कैथी के नाम से जाना जाता था, पहले उसको मार्को पोलो नहीं जानते थे, लोग उसे कैथे के नाम से बुलाते थे। विद निकोलो पोलो हिज फादर, अपने पिता निकोलो पोलो के साथ, एंड मैफियो पोलो हिज अंकल, और उसके अंकल मैफियो पोलो। अब यही सब चैप्टर में आ जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फादर एंड अंकल। तो आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है कि उसके पिता का नाम निकोलो पोलो था और चाचा का नाम मैफियो पोलो था। ये भी पूछ सकते हैं कि हिज निक नेम वाज, तो हिज निक नेम वाज कैथे, ओके, CATHE। आगे देखते हैं चैप्टर में क्या होता है। दे ट्रैवल फ्रॉम वेनिस टू एशिया माइनर, दे क्रॉस द ब्लैक सी टू द क्रीमिया। वो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की वेनिस से एशिया के लिए, देन क्रॉस द ब्लैक सी, और धीरे धीरे क्रीमिया में जो ब्लैक सी जो काला समुद्र पड़ता था उसको भी पार किया। फ्रॉम देयर, और वहाँ से दे मेड देयर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ पर्सिया, और वहाँ से पर्सिया में जो रेगिस्तान पड़ता है, एंड अफगानिस्तान द हाईलैंड ऑफ पामीर, और अफगानिस्तान में ऊंची ऊंची इमारतों को भी पार किया उन्होंने। देन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डेजर्ट एंड रीच द पेकिंग। उन्होंने गोबी डेजर्ट को पार करते हुए पेकिंग पहुंच गए वो। द जर्नी टुक 4 ईयर्स, और इतना करने में उनको 4 साल लग गए। कहा था ना कि जर्नी को कंप्लीट करने में लोगों को कई साल लग जाते थे। तो ये जो आप नाम तो बहुत आसानी से सुन रहे हैं, हाईलैंड ऑफ द पामीर, ब्लैक सी टू द क्रीमिया, एंड पर्सिया एंड अफगानिस्तान, गोबी डेजर्ट। ये डेजर्ट ही सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर होते थे। डेजर्ट पर पैर रखा और उसे पार करने में तुम लोगों को 1 से 2 साल लग जाए। तो पहले ऐसा साधन नहीं होते थे, मोटरसाइकिल हवाई जहाज स्टार्ट किया, चल दिया, चाबी लगाया, पहले पैदल ही करना होता था हमें। देन आगे देखिए, तो ये जर्नी करने में उसको 4 साल लग गए। 2 आवर्स दिस सीम्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ जर्नी, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा समय हो गया। बट इन दोज डेज पीपुल प्राउड थॉट देमसेल्फ लकी दैट दे वर एबल टू गेट एनीवेयर एट ऑल। लेकिन उस समय 4 साल लगे जरूर, लेकिन उन्हें खुद में प्राउड होता था, अभिमान होता था कि हाँ चलो मैंने जिंदा रहते ही ये पार कर लिया। क्यों? बहुत सारे लोग आते थे, मर जाते थे रास्ते में ही। जब तक लकी, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे। देयर वर मैनी केसेस ऑफ ट्रैवलर्स किल्ड ऑन द वे और कैप्चर्ड ऑन सोल एज अ स्लेव। या तो उनकी हत्या कर दी जाती थी, या मार दिया जाते थे, या पकड़ लिया जाते थे। द पोलोज वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान, और वहाँ से पहुँचकर जो पोलोज, यानी कि पोलोज क्यों कहा गया, मार पोलो क्यों नहीं कहा गया, क्यों पोलोज क्यों, क्योंकि पोलो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके चाचा, उसके और फादर भी थे। द पोलोज वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान, कुबलाई खान के कोर्ट में पहुँचे पोलोज। अ ग्रांड सन ऑफ अ फेमस मंगोल इन्वेडर चंगेज खान, कहाँ पहुँचे, कुबलाई खान के कोर्ट में पहुँचे। और जो कुबलाई खान था वो कौन था, फेमस मंगोल इन्वेडर, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का जो था वो पोता था, कौन, कुबलाई खान। चंगेज खान का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा,
ही वॉज द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर विद इट्स कैपिटल एट पेकिंग, जो कैपिटल चाइना की राजधानी पेकिंग में बहुत बड़ा साम्राज्य को चला रहा था। देन कुबलाई खान रिसीव द ट्रैवलर्स विद अ ग्रेट काइंडनेस, कुबलाई खान ने उन ट्रैवलर्स को, यात्रियों को बहुत ही विनम्रतापूर्वक उनका सत्कार किया। निकोलो एंड मैफियो हैड ऑलरेडी मेड अ ट्रिप टू चाइना सम इयर्स अगो एंड वर नोन टू द एम्परर। निकोलो एंड मैफियो हैड ऑलरेडी मेड अ ट्रिप टू चाइना, वो चाइना के लिए बहुत पहले ही निकल गए थे। एंड वी वर नोन टू द एम्परर, और उन्हें शासक के नाम से जाना जाने लगा था। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ द लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज। मार्को पोलो ने खुद को मंगोल लैंग्वेज, मंगोल भाषा सीखने के लिए राजा से, एम्परर से आग्रह किया। कौन था उस समय शासक, कौन था जब वो पहुंचे थे? तो कुबलाई खान। कुबलाई खान कौन था? चंगेज खान का पोता, ग्रैंड सन ऑफ द चंगेज खान। द एम्परर वॉज टू प्लीज विद हिम दैट ही टुक हिम टू द सर्विस। ही ट्रस्टेड मार्को पोलो ग्रेटली एंड सेट हिम टू मैनी फॉरेन प्लेसेस ऑन हिज ट्रैवल्स। और मार्को पोलो वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था, शासक का दिल जीत चुका था, और इस बिहार पर वो कई सारी ट्रिप्स में उसके साथ में गया था। वन ट्रिप वॉज मेड इन 1287 टू बर्मा एंड अनदर सम टाइम लेटर टू सैलॉन। कुछ साल पहले 1287 में बर्मा के लिए उसकी ट्रिप थी और दूसरी थी सैलॉन के लिए। द ट्रिप टू सैलॉन वॉज अंडरटेकिंग टू ब्रिंग द सैक्रेड बुक ऑफ बुद्धा फॉर द एम्परर। जो सैलॉन के लिए ट्रिप थी वो क्या थी? एम्परर के लिए सैक्रेड टूथ ऑफ बुद्धा फॉर द एम्परर, यानी कि बुद्धा के पवित्र दांत लाने थे एम्परर के लिए। लेटर मार्को पोलो वॉज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सिटी, और इसके बाद मार्को पोलो को गवर्नर बना दिया गया किसी इम्पॉर्टेंट सिटी का, किसी महत्वपूर्ण सिटी का। ओके बेटा, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कहाँ पर छोड़ा था हमने? मार्को वाज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सिटी। मार्को को गवर्नर बना दिया गया था किसी इम्पॉर्टेंट सिटी का। इन 1215 ईयर्स आफ्टर कमिंग टू पेकिंग, 15 साल हो गए पेकिंग जाने के बाद, मार्को पोलो आज एन एम्परर परमिशन टू गो बैक होम। मार्को ने परमिशन मांगी कि अब मुझे जाना है अपने घर। बट कुबलाई खान रिफ्यूज टू यू, लेकिन कुबलाई खान ने उसे मना कर दिया। लकी चांस हाउएवर हेल्प्ड हिम, क्यों? क्योंकि एक मौका था ऐसा कि केवल मार्को ही हेल्प कर सकता था। द मैरिज ऑफ अ प्रिंसेस ऑफ कुबलाई खान फैमिली हैड बीन अरेंज विद द ग्रैंड नेफ्यू अर्घन द वाइसरॉय ऑफ पर्सिया। द मैरिज ऑफ प्रिंसेस कुबलाई खान फैमिली, कुबलाई खान की फैमिली में एक राजकुमारी की शादी होनी थी। किससे? ग्रैंड नेफ्यू ऑफ गान द वाइसरॉय ऑफ द पर्सिया, पर्सिया के राजकुमार से। अर्घन हैड सेंट सम ऑफ हिज पर्शियन नोबल्स टू अरेंज द मैटर एंड टू ब्रिंग द ब्राइड। उसने अरेंज करवाया और कहा कि आप लोग जाएंगे पर्सिया से और ब्राइड को, दुल्हन को लेकर आएंगे। द लेडी कोकाचिन टू पर्सिया फॉर द मैरिज। नाम का था, क्या था उसका? लेडी कोकाचिन। नाउ दैट द नोबल मैन वर ड्यू टू रिटर्न विद द ब्राइड, दे वर अफ्रेड ऑफ द डेंजर द रिस्क फॉर द जर्नी। वो जो थे वो डर रहे थे कि उनके लिए रिस्क था, क्योंकि दुल्हन को लेकर आएंगे तो बीच में जो रॉबर्ट मिलते हैं डकैत, वो केवल खजाना ही लूट कर थोड़ी चले जाएंगे। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि डकैत आते हैं तो दुल्हन को उठा ले जाते हैं। सेम वही होता था ऐसा, तभी तो मूवीज बनी इनके ऊपर। तो देवर अफ्रेड, वो डर रहे थे। दे वॉन्टेड टू टेक सम ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस ट्रैवलर विद देम एज अ गाइड। वो चाहते थे कि उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस अनुभवी लोग चले जो उन्हें गाइड करते रहे रास्ते पर। सो दे रिक्वेस्ट कुबलाई खान टू अलाउ द पोलोस टू विद देयर पार्टी। इसलिए पोलोस फैमिली जो थी उनको अलाउ किया गया कि आप लोग जाइए, आप लोग 15 सालों से केवल ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं तो आप लोगों के एक्सपीरियंस है, आप जाइए साथ में और दुल्हन भी लेकर आइए। कुबलाई खान हैड एग्री बट ही मेड मार्को प्रॉमिस दैट ही वुड कम बैक टू आफ्टर द जर्नी। वो एग्री तो हो गया, लेकिन उसने ये प्रॉमिस भी कराया कि मैं इसके बाद क्या करूँगा, अपने घर वापस चला जाऊँगा। द पार्टी डिसाइडेड टू ट्रैवल बाई द सी बट ट्रेवल्स बिगैन सून आफ्टर द जर्नी स्टार्टेड। विंड कैरी द सिप्स ऑफ इंडो चाइना एंड देन टू सुमात्रा। द पार्टी डिसाइडेड टू ट्रैवल बाई सी। अब बनाया गया कि भाई हम समुद्र के रास्ते से पर्सिया जाएंगे। समुद्र के रास्ते से जर्नी स्टार्ट इनकी। विंड कैरी द सिप्स, क्यों? पहले के
जहाज ऐसे नहीं होते थे कि स्टार्ट किया और जिधर चाहे उधर मुड़ा दिया। पहले क्या होता था, बड़े बड़े शिप्स होते थे, थ्रो द विंड, हवा के रास्ते जिधर हवा चल रही उधर सीख जाएगा। ओके, तो क्या होता था, जो उन्हें जाना कहीं और था, हवा से क्या हुआ, इंडो चाइना एंड देन टू सुमात्रा, परसिया जाना था, वहाँ से वो इंडो चाइना यानी कि भारत और चाइना के बीच में पहुँच गए, देन सुमात्रा, फिर सुमात्रा पहुँच गए। दे वर डिलेड देयर फॉर मैनी मंथ्स, और महीनों भर वो लेट हो गए कम से कम अपने जहाँ पहुँचना था। आफ्टर मंथ ऑफ सेलिंग, बहुत महीनों तक सेलिंग करते हुए, दे रीच सैलान, वहाँ सैलान पहुँचे एंड टच इंडिया, और इंडिया को छू गए एंड ईस्ट अफ्रीका बिफोर दे रीच परसिया, तब जाकर वो कहीं परसिया पहुँचे थे। द प्रिंसेस अराइव्ड सेफ एंड साउंड, बट टू ऑफ द थ्री, प्रिंसेस जो थी वो तो सेफ थी साउंड, बट टू ऑफ द थ्री पर्सियन नोबल मैन वो हैड स्टार्टेड जर्नी विद हर, लेकिन दो सज्जन जो उनके साथ जर्नी स्टार्ट की थी उन्होंने वो मर गए। व्हाट वाज वर्स, अर्गन हिमसेल्फ डाइड, अर्गन खुद मर गया। अर्गन कौन था, वो दुल्हन को लेने गए थे, लेकर गए थे, जो जिससे उसकी शादी होनी थी वो खुद ही मर गया। क्यों, बिफोर द पार्टी रीच द पर्सिया, जब तक वो पर्सिया पहुँचते तब, शॉर्टली आफ्टर वर्ड, और कुछ देर बाद ही, कुछ मतलब दिन बाद ही, न्यूज़ केम, एक खबर आई दैट कुबलाई खान वाज ऑल्सो डेड, कि कुबलाई खान खुद मर गया है। देर वाज नो नीड नाउ फॉर मार्को पोलो टू गो बैक टू पैकिंग एज ही हैड प्रॉमिस्ड। अब मार्को पोलो को वहाँ से जाने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आप, मैं पहुँच जाऊँगा आप वापस जाएंगे, लेकिन कुबलाई खान खुद मर गया जिससे प्रॉमिस किया गया था। अब उसने सोचा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा वापस, सीधा अपने घर जाऊँगा। देन ही हिज फादर एंड अंकल हैड ग्रोन वेरी रिच, अब तक वो उसके पिता उसके चाचा बहुत अमीर हो चुके थे। दे रिटर्न टू द वेनिस वेयर दे अराइव्ड इन 1295 में पहुँचे हुए। दे हैड बीन अवे ऑन द जर्नी फॉर 24 ईयर, और 24 साल की यात्रा करने के बाद वो अपने घर पहुँचे। द लैड ऑफ 17 टू हैड लेफ्ट होम, जिसने 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था 1271 में, आज वो 1295 में 41 साल की उम्र में घर पहुंचा था। कौन था वो, नेम मार्को पोलो, इतिहास में नाम दर्ज है इसका। द स्टोरी इज टोल्ड दैट व्हेन द पोलोज लैंडेड इन वेनिस, एक कहानी ये भी कही जाती है कि जब 24 साल बाद मार्को पोलो अपने घर वापस आते हैं, नो वन कुड रिकॉग्नाइज हिम, उन्हें कोई पहचान नहीं पाता है। क्यों, 24 साल का अंतर है बेटा। सो दे इनवाइटेड ऑल देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू डिनर वन नाइट, इसलिए उन्होंने क्या किया, जितने भी मोहल्लावासी थे सभी आसपास के, उनको इनवाइट किया। द पोलोज वर वियरिंग द रफ रैग क्लॉथ दे हैड वॉर्न द जर्नी, अब पोलो था, पोलोज यानी कि उसके वो, उसके चाचा और उसके पापा, सब फटे पुराने कपड़े पहने थे, जो क्लॉथ दे हैड वॉर्न द जर्नी, जो वो जर्नी के दौरान पहनते थे, यात्रा के दौरान जो पहनते थे। When the guests were all present, जब सभी गेस्ट वहाँ पर एकत्रित हुए, the polos tore off the straps of their clothes, तो उन्होंने अपने तब कपड़े फाड़ने चालू किए। Then होता क्या है, precious stones, बहुमूल्य पत्थर and jewels, आभूषण flew lining the cloth before the astonished eye of the guests, उनके कपड़ों से बहुमूल्य पत्थर और ज्वेल्स निकलते हैं सब, बहुत अच्छे रहते होंगे, सब सिला लेते होंगे उसमें। देन दे बिलीव द वंडर्स ऑफ द पोलो जर्नी, तब उन्हें समझ में आता है कि उनकी जर्नी का आश्चर्य क्या था, आगे क्यों ये फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि हर बार कोई नया कपड़ा पहनेगा तो उसमें पत्थर और मड़ी रत्नी जो छुपाया था उसमें से निकाल के उसमें छुपाएगा, इसीलिए वो एक ही कपड़ा पहने रहते थे वो। एंड वेलकम देम बैक होम, तब लोगों ने उनका स्वागत किया। बट मार्को पोलो एडवेंचर वर नॉट हियर येट ओवर, लेकिन मार्को पोलो का जो एडवेंचर था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। ही हैड टू फेस द हार्डशिप स्टिल, और उसे कई सालों तक संघर्ष करना था। वार ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड जेनोवा, जेनोवा और वेनिस के बीच में युद्ध हुआ। मार्को पोलो वाज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स, उन्हीं में से एक व्यापारी शिप चला रहा था वो। वाज टेकन प्रिजनर, जिसे कब्जे में ले लिया गया। ही रिमेन्ड इन प्रिजन फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों तक वो प्रिजन में, जेल में रहा। बट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम, लेकिन उसने अपना समय नहीं बर्बाद किया। ही कॉल्ड फॉर द नोट्स ही हैड मेड ऑन हिज जर्नी एंड डिक्टेटेड अ बुक टू फेलो प्रिजनर, उसने एक जेल में रहते ही एक बुक भी लिख दी थी। व्हेन पीस वाज मेड आफ्टर 3 ईयर्स ही अलाउड टू गो होम,
और जब युद्ध खत्म हो गया, शांति व्यवस्था हो गई, तब उन्हें घर जाने का आदेश दिया गया। मार्को पोलोज बुक वेरी फेमस की बुक जो होती है वो बहुत फेमस हुई। रिटन नॉट सो मच अबाउट हिज ओन एडवेंचर दैट अबाउट थिंग्स, उसने उस बुक में अपने एडवेंचर्स के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा था। एमंग अदर प्लेसेस ही हैड रिटन अबाउट जापान, उसने ज़्यादातर जो लिखा था वो जापान के बारे में लिखा था। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि मार्को पोलो की बुक जो थी उसमें किसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था, तो जापान के बारे में। नो वन इन यूरोप हैड ओवर हर्ड ऑफ जापान, और इससे पहले जापान के बारे में किसी ने नहीं सुना था। नो वन इवन न्यू दैट इट्स एग्जिस्टेड, कोई ये भी नहीं जानता था कि वो है भी या नहीं। मार्को पोलो इज सपोज टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव अ ट्रैवल राइट अक्रॉस एशिया। मार्को पोलो पहला एक ऐसा व्यक्ति था जो एशिया की तरफ यात्रा करने गया था। पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ ईस्ट ऑफ इंडोस, क्योंकि उन दिनों में यूरोप के लोगों को बहुत कम नॉलेज होता था। दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव मच ऑफ व्हाट मार्को पोलो हैड रिटन, उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जापान के बारे में जो उसने लिखा है वो सही है भी नहीं। फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक इट वॉज थॉट दैट अ बुक वॉज कलेक्शन ऑफ लाइफ, लोगों ने सोचा ये बुक में से छोटी उसने लिख दिया है। इट वॉज ओनली इन द 19th सेंचुरी, अब ये 19 शताब्दी की बात है। द फैक्ट वर वेरीफाइड बाई द ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स फाउंड जनरली टू बी ट्रू, जो नए नए लोग आविष्कार करते थे, ट्रैवलर थे, यात्रा करते थे, स्कॉलर थे, सीखने वाले बच्चे, उन्होंने वेरीफाइड किया कि हाँ जो भी लिखा है वो सही है। देयर वर आफ्टर कर्स फॉर सर्टेन थिंग्स विच मार्को पोलो हैड ओनली हर्ड, दीज वर नॉट ऑलवेज करेक्ट, मार्को पोलो ने जो भी कहा वो सब जरूरी नहीं कि हर समय सही हो। मार्को पोलो बुक फाइट पीपल ऑफ फैंसी, मार्को पोलो की बुक ने जो कहा वो तहलका मचा दिया। मैन हू वर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर्स, इसमें जो लोग एडवेंचर्स रहस्यमय बातों को खोजने में बिलीव करते थे, बिगैन टू ड्रीम टू गोइंग आउट टू इंडिया एंड चाइना एंड मेकिंग देयर फॉर्चून्स, जो भारत और चाइना जाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे, अपने भाग्य को आजमाना चाहते थे, उन लोगों के लिए ये बुक एक फैशन बन गया था। ओके, ये था बेटा आपका चैप्टर मार्को पोलो, मार्को पोलो द ग्रेट एडवेंचरर्स ऑफ अवेलिस। ओके, सो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज भी जानेंगे बेटा क्या डिस्प्ले, ठीक है। जो चैप्टर आप नहीं समझ पाए एक बार में तो दोबारा वीडियो को देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।